सहारनपुर में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की है। सहारनपुर के कमिश्नर, डीआईजी रेंज और डीएम, इसके साथ साथ एसएसपी सहारनपुर ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की है। सहारनपुर देहरादून हरिद्वार कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए गए। उसके बाद डीएम और एसएसपी सहारनपुर ने सहारनपुर घंटाघर स्थित चौक पर पहुंचकर कांवड़ियों पर फिर से पुष्प वर्षा की। सहारनपुर की, जहां पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। डीएम, एसएसपी, तमाम अधिकारी मौजूद रहे यहां पर। और पीलीभीत में गौरीशंकर मंदिर के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें अमर्यादित कपड़े मंदिर में पहनकर आने की बात लिखी हुई है, ना पहनकर आने की बात लिखी हुई है। ड्रेस कोड, कटी फटी जींस पहनकर मंदिर आने पर रोक है। साथ ही मंदिर के अंदर रील बनाने पर भी प्रतिबंध है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि पूजन में पूजा सामग्री के साथ ही कपड़ों का भी महत्व है, ऐसे में ढंग के कपड़े पहनकर मंदिर में दर्शन करने आए। आगे बढ़ते हैं। खबर है गाजीपुर से, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। सैदपुर थाना क्षेत्र के टोडरपुर गांव के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो इनामी बदमाश घायल हुए हैं। 25,000 का इनामी बदमाश सोनू बिंद और उसका साथी 10,000 का इनामी बदमाश देवेंद्र बिंद घायल हुए हैं। घायल दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों शातिर बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। ट्रक के साथ लूटपाट हुई है, कुछ पैसा और उसके कागजात वगैरह लूटे गए हैं। इसकी सूचना तत्काल फ्लैश हुई। रामपुर माझा की तरफ से हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम व अन्य थानों की फोर्स भी उधर जा रही थी। उधर से जब ये संदिग्ध बदमाश आते दिखाई दिए तो इन्होंने अपने आप को घिरा पाते हुए पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा में गोली चलाई जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी। और सुल्तानपुर में पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश शेर अली उर्फ शेरा गोली लगने से घायल हुआ। फायरिंग में सिपाही जनार्दन यादव भी घायल हुआ है। पुलिस ने घायल समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ मोती करपुर थाना क्षेत्र के जौनापुर जिले के सरपतहा थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बदमाशों के पास से बाइक, स्कॉर्पियो, दो तमंचे और कारतूस बरामद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इटावा पुलिस की भी लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने पांच लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ बकेवर में लोधना मार्ग पर हुई है और ये गैंग सिर्फ महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। आरोपियों ने 11 जुलाई को बंदरोगा की पत्नी के साथ लूट की थी और लुटेरों के पास से लूटे गए जेवर, कैश, तीन अवैध तमंचे बरामद किए गए। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 लोग जो लूटा हुआ सामान है उसको कहीं ठिकाने पर लगाने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने इंटरसेप्ट करके उनको पकड़ा है। पुलिस पर उन्होंने विरोध किया, फायरिंग किया उन्होंने, तो पुलिस ने उसको इंटरसेप्ट करके पर्याप्त बल के साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 तमंचे, 5 कारतूस, 2 मोटरसाइकिलें तथा लूटा हुआ कुंडल महिलाओं का और कई और सामान, मोबाइल वगैरह भी बरामद किए गए हैं। और रुकेंगे आप।